गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज ये वीडियो मैंने बनाई है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के हैं, मतलब ये क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं चलो आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, पानी के अधिक होने पर पेड़ की मृत्यु क्यों हो जाती है। देखो ये मैंने इस साइड सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं ताकि आप साथ के साथ देखते रहो कि क्वेश्चन कौन सा सोल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अधिक होने पर पेड़ की मृत्यु क्यों हो जाती है। देखो मैं बता चुका हूँ कि पादपों में जो श्वसन होता है, पौधे जो गैस लेंगे ऑक्सीजन, वो उसके अलग अलग भागों में अलग अलग होता है। पत्तियां रंध्र द्वारा ऑक्सीजन को लेती हैं, तने में लेंटिसल्स नाम के छिद्र होते हैं जिनसे वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो जड़ें होती हैं, जड़ों में मूल रोम होते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये जड़ है तो जड़ों में छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, इस प्रकार से ये धागे जैसी संरचनाएं कहलाती हैं मूल रोम। ये मूल रोम, इनके बीच यहाँ मिट्टी के कण होते हैं, तो मिट्टी के कणों के बीच वायु होती है और वायु से ये श्वसन कर लेते हैं, मतलब उसमें से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। लेकिन अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी क्या करता है, जो एयर स्पेस है, मतलब जहां जिस स्थान पर वायु है वहां पानी भर जाएगा, तो वायु निकल जाएगी और पानी उस जगह को ले लेगा, और वायु की अनुपस्थिति में जड़ें श्वसन नहीं कर पाएंगी और जड़ों की मृत्यु हो जाएगी। और जड़ें ही मर जाएंगी तो पानी का अवशोषण और खनिज का अवशोषण नहीं हो पाएगा और प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, क्यों पानी नहीं पहुंचेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाएगा, तो पूरे के पूरे पौधे की या पादप की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड में श्वसन क्यों हानिकारक है। हम पढ़ चुके हैं कि मान लो ये फेफड़े हैं, फेफड़ों में कूपिकाएं हैं, यहाँ वायु आती है, वायु में ऑक्सीजन होती है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है लेकिन ऑक्सीजन अधिक होती है, यहाँ रक्त वाहिनियाँ होती हैं, यहाँ से ऑक्सीजन इसमें जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाती है। अब हम जिस वायु में सांस ले रहे हैं उस वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब वायु जो आई उसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब इसके अंदर आ जाएगी तो यहाँ रक्त में है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है वैसे तो, लेकिन जैसे ही यहाँ वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाएगी और बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक ऐसा पदार्थ बन जाएगा जो न टूटने वाला है, जो टूटता नहीं है। और देखो यहाँ ऑक्सीजन भी है और CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, लेकिन ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ जल्दी चिपक जाएगी, क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी अधिक होती है, मतलब इसके साथ जुड़ने की क्षमता अधिक होती है, 200 times 200 गुना अधिक क्षमता है इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़ने की। इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर दोनों है तो दोनों में से कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी इसके साथ चिपक जाती है, तो सारे के सारे हीमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड ही पकड़ लेगी, ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन नहीं बचेगा, तो हमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगी तो हमारा दम घुटना शुरू हो जाएगा और दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब कोई वस्तु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलती है, जैसे हम अंगीठी वगैरह को सर्दियों में बंद कमरे में जलाते हैं, उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो ये कारण हो गया। अभी तीसरा क्वेश्चन है, श्वसन सतह के कौन कौन से मुख्य गुण होते हैं। श्वसन सतह क्या, मतलब देखो यही सतह जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। देखो हम पढ़ चुके हैं जो मिट्टी में रहने वाले जीव होते हैं, जैसे केंचुआ होता है और मेंढक कई बार मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो उनमें जो रेस्पिरेशन होगा, मतलब श्वसन होगा, वो होता है उनकी त्वचा द्वारा, तो उनकी त्वचा में होगी क्या, श्वसन सतह, त्वचा होगी श्वसन सतह। हम श्वसन करते हैं अपने फेफड़ों द्वारा, तो हमारे अंदर फेफड़े हो गए हमारी श्वसन सतह, मतलब जिस भी जीव में श्वसन सतह होगी तो उस श्वसन सतह के क्या गुण है। सभी में कुछ विशेष गुण होते हैं श्वसन सतह के, जैसे भाई ये हमारी क्या है,
ये हमारी कुपिका है। तो इस कुपिका के क्या गुण है, इसमें विशेष गुण, एक तो विश्व संस्था का हमेशा ही गीला रहना आवश्यक है, इसको गीला होना, गीला रहना चाहिए, मॉइस्ट अगर ये नहीं होगी तो गैसेस एक्सचेंज जल्दी से नहीं हो पाएगा। दूसरा, इसके अंदर रक्त वाहिनियां अधिक से अधिक होनी चाहिए, मतलब इसके ऊपर रक्त वाहिनियों का एक जाल बिछा होना चाहिए जिससे गैसें आसानी से रक्त में पहुंच जाए और रक्त से वापस आ जाए, दूसरा ये होगा। तीसरा, इनका क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, मतलब इनके जो जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही गैसों के आदान प्रदान के लिए जगह ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये तीन गुण मैंने बता दिए, उनका मॉइस्ट होना आवश्यक है, क्षेत्रफल अधिक होना आवश्यक है और उनमें रक्त वाहिनियों का प्रवाह होना भी आवश्यक है। इसके अलावा एक और है कि इसकी जो दीवारें हैं इनका अत्यधिक पतला होना भी आवश्यक है, अगर ये दीवारें मोटी होगी तो गैसेस एक्सचेंज मतलब गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा। तो ये हो गए इसके श्वसन स्तर के गुण। अब पढ़ते हैं शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। देखो अभी मैंने बताया हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन हम जो सांस अंदर खींचते हैं उसमें जो वायु होगी ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ये बनाता है HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस रूप में ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है, कोशिकाओं में ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इसको दे देगा और फ्री हो जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ऑक्सीजन उठाएगा, फिर कोशिका को देगा, फिर वापस, इस प्रकार यह ऑक्सीजन को कैरी करता है, कौन, हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। अब हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो क्या होगा, ये काम रुक जाएगा, अगर ये काम रुक गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, पहले तो ये प्रॉब्लम होगी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अगर हमें ऑक्सीजन पूरी अंदर नहीं मिलेगी ना तो हम ऐसे ऑक्सीजन को लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देंगे और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं निकलेगी और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमें हर समय थकान महसूस रहेगी, तो हर समय थकावट महसूस रहेगी, कमजोरी आ जाएगी, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, श्वास की प्रॉब्लम होगी है, थकावट रहेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कमजोरी महसूस होगी, ठीक। और धीरे धीरे अगर ऊर्जा लंबे टाइम तक ना मिलेगी तो हमारी बॉडी क्षीण हो जाएगी, मतलब कमजोर हो जाएगी। उसके बाद है श्वसन दर जलीय जीवों में अधिक क्यों होती है भाई। तो श्वसन दर, देखो मैंने बताया था मछलियां क्या करती हैं, वो पानी को जल्दी जल्दी पीती हैं, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि मछलियां जो मुंह खोल के पानी जल्दी जल्दी पीती है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वायु की अपेक्षा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए हम नॉर्मल सांस लेते रहते हैं, मतलब ऐसे नहीं करते, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भरपूर है लेकिन पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए जलीय जीवों को पानी अधिक से अधिक पीना पड़ेगा। जो मछलियाँ होती है वो पानी को जल्दी जल्दी पीती हैं जिसके कारण उसमें घुली हुई ऑक्सीजन उनको मिल जाए, यही कारण है कि उनके अंदर श्वसन दर अधिक होती है, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन, अब शुरू करते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, स्वपोषण की आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, मतलब जिनमें स्वपोषण होता है, स्वयं पोषण जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं उनमें आवश्यक परिस्थितियां क्या होती है, उनको क्या चाहिए, एक तो उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या चाहिए उनको, पानी जल चाहिए, तीसरा क्या चाहिए उनको, सूर्य का प्रकाश, और एक चौथा क्या चाहिए, क्लोरोफिल भी तो होना आवश्यक है। तो ये चार आवश्यक परिस्थितियां हैं किसके लिए, स्व पोषण के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, जल का होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, ये नहीं होंगे तो पादप अपना भोजन नहीं बना पाएगा, मतलब स्व पोषण नहीं होगा। तो ये होगी भाई आवश्यक परिस्थितियां। सातवां है
पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है और इसकी पूर्ति कैसे करता है। देखो नाइट्रोजन जो होती है नाइट्रोजन हमारे शरीर में बहुत सारे यौगिकों के निर्माण में आवश्यक है। कौन कौन से यौगिकों के निर्माण में? प्रोटीन के लिए ये चाहिए या न्यूक्लिक एसिड के लिए चाहिए। न्यूक्लिक एसिड मतलब जो डीएनए में होता है, या सीधा ये कह लो कि डीएनए के निर्माण के लिए, प्रोटीन और डीएनए के निर्माण के लिए और भी बहुत सारे यौगिक हैं जिनके निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पादपों में भी प्रोटीन होता है और डीएनए भी होती है, तो उनमें भी नाइट्रोजन ही डीएनए के अंदर होगा, तो उनमें भी प्रोटीन और डीएनए के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और पौधा नाइट्रोजन की पूर्ति मिट्टी से करता है, मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत अधिक है, 78% होती है, लेकिन पादप इस 78% नाइट्रोजन को प्रयोग नहीं कर सकता। वायुमंडल में कितनी अधिक नाइट्रोजन है लेकिन फिर भी पौधा इस नाइट्रोजन को, वायुमंडल के नाइट्रोजन को प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पौधा जो नाइट्रोजन होती है N2, इसमें नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच 3 आबंध होते हैं, इसलिए पादप इन 3 आबंधों को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। तो क्या करता है, पहले इस नाइट्रोजन को पहले कोई ना कोई घुलनशील लवण में बदला जाएगा, मतलब जैसे नाइट्रेट में या नाइट्राइट में बदला जाता है। नाइट्राइट, तो नाइट्रेट मतलब NO3 और NO2, इस प्रकार के यौगिकों में पहले बदला जाएगा, फिर ये यौगिक जल में घुल जाएंगे मिट्टी में, और फिर पादप उनको अवशोषित कर लेगा। इस प्रकार नाइट्रोजन को प्राप्त करता है पौधा। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की पूर्ति मिट्टी से नहीं हो पाती, तो वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट को खाते हैं। तो मांसाहारी पादप होते हैं कुछ जो इंसेक्ट को खा लेंगे, उनमें कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनके ऊपर अगर इंसेक्ट बैठ जाएगा तो वो बंद हो जाएंगे और इंसेक्ट को पकड़ लेगा, और इंसेक्ट अंदर ही घुल जाएगा और उसके शरीर की जितनी नाइट्रोजन होती है वो उस पादप को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार पादप नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अब आगे है लाला रस के कार्य बताइए। लाला रस कहाँ से निकलता है? मैंने बताया था हमारी मुख गुहिका में 3 ग्रंथियां होती हैं, मतलब 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, और वो 3 प्रकार की ग्रंथियां 3 जोड़े होते हैं उनके, मतलब 3 इस साइड होते हैं, 3 इस साइड होते हैं, उनको लाला ग्रंथियां कहते हैं। लाला ग्रंथियों के 3 जोड़े हैं, मतलब 6 ग्रंथी हैं, वो 6 ग्रंथियां छोड़ती हैं लाला रस, तो वो 6 ग्रंथियां लाला रस को छोड़ती हैं और वो लाला रस हमारी मुख गुहिका में आता है। तो लाला रस के क्या कार्य है? लाला रस के कार्य देखो, सबसे पहला कार्य होता है इसका, हमारे जो मुख के अंदर भोजन जाएगा उसको ये मॉइस्ट करेगा, मतलब उसको गीला कर देगा, गीला करेगा तो आसानी से उसको चबाया जा सकता है, तो गीला करना। दूसरा उसका कार्य क्या, सलाइवा का, मतलब लाला रस का, लाला रस में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो भोजन के साथ अगर जीवाणु आ जाए तो उसको मारने में सक्षम होते हैं, तो जीवाणुओं को मारने के लिए, ये जीवाणुओं को मारना इसका दूसरा कार्य है, किसका, लाला रस का। तीसरा, लाला रस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमीलेस, और एमीलेस क्या करता है, जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है या मंड होता है, मंड स्टार्च, मंड का पाचन करके इसको सरल पदार्थों में बदल देता है। मंड का पाचन करके किसमें बदल देगा, सरल पदार्थ में, और मंड के पाचन से कौन सा सरल पदार्थ निकलता है, ग्लूकोज, तो इसको ग्लूकोज में तोड़ देता है, कौन, एमीलेस। लेकिन सारा मंड नहीं टूटेगा, सिर्फ 30% मंड ही हमारी मुख गुहिका में टूट पाता है। तो ये हो गया लाला रस के कार्य, भोजन को मॉइस्ट करना, गीला करना, जीवाणुओं को मारना, और उसमें एक एंजाइम है एमीलेस जो मंड के पाचन में मदद करता है। ठीक है भाई, इसके अलावा इसका और भी कार्य है, जो हमारे दांतों के ऊपर अम्ल बन जाता है ना, उस अम्ल को उदासीन करने का कार्य भी लाला रस करता रहता है। तो ये हो गया भाई किसके, लाला रस के कार्य। अब आते हैं HCl तथा पित्तरस के कार्यों का वर्णन कीजिए। हमारा जो अमाशय है, मतलब पेट है जो, उसकी दीवारों से 3 प्रकार के रस निकलते हैं जब भोजन जाएगा, किसमें, हमारे अमाशय में। तो जब भोजन हमारे अमाशय में प्रवेश करता है
तो अमावस्या में जब जाएगा तो अमावस्या में जो अमावस्या का रस है उसमें तीन चीजें निकलती हैं। एक निकलता है HCl, एक निकलता है भाई रेनिन, एक एंजाइम का नाम है, सॉरी उसको बोलते हैं पेप्सिन, पेप्सिन भी निकलता है, और एक निकलता है भाई सलाइवा, सलाइवा मतलब सॉरी ये म्यूकस, म्यूकस का मतलब होता है कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, उसको बोलते हैं म्यूकस। तो ये तीन पदार्थ हमारे अमाशय में निकलते हैं। तो इस अमाशय में जो HCl निकलता है, तो ये HCl का क्या कार्य है? HCl के कार्य नंबर एक, HCl का पहला काम होता है हमारे भोजन को या हमारे अमाशय के वातावरण को अम्लीय बनाना। अम्लीय बनाने से क्या होगा, जो ये पेप्सिन एंजाइम होता है ना, पेप्सिन ये अक्रिय अवस्था में होता है, और ये क्रियाशील तभी होगा जब अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो HCl ने क्या किया, अम्लीयता को बढ़ा दिया, और अम्लीयता बढ़ने से पेप्सिन क्या हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा, पहला काम होता है। दूसरा काम इसका, अगर भोजन में कोई जीवाणु बच जाए, वैसे तो यहां मार देगा लाला रस मुख हुई काम, लेकिन फिर भी अगर कोई बच जाए तो उसको मारने का काम HCl कर देगा। जो कोई बहुत ज्यादा हार्ड पदार्थ है, बहुत सख्त पदार्थ हमारे भोजन में विद्यमान है, तो ये तो अम्ल है, ये उसको गला देगा, तो उसको गलाने में काम करता है कौन, HCl। तो HCl के भी वही तीन कार्य हो गया, एक तो पेप्सिन को या सीधा ये कह दो कि एंजाइम को क्रियाशील करने में मदद करता है, दूसरा जो जीवाणु भोजन के साथ आते हैं उनको मारने में मदद करता है, और तीसरा जो मैंने बताया कि जो हार्ड पदार्थ होते हैं हमारे भोजन में, जो सख्त पदार्थ आ जाते हैं उनको गलाने में ये मदद करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो इसके कारण हमारे अमाशय की पीएच जो होती है वो 1 से 1.5 होती है, देखो कितनी कम है, लेकिन फिर भी हमारे अमाशय की दीवारें नहीं जलती। क्यों नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा एसिडिक, इतना ज्यादा एसिड है, तो हमारे जो अमाशय की दीवारें हैं वो भी तो जल सकती हैं कोशिकाएं, लेकिन नहीं जलेंगी। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर म्यूकस होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ चिपका रहता है साइडों में, ये क्या करेगा, जैसे ही अम्ल इसके ऊपर लगेगा तो ये उसको उदासीन कर देगा, तो अम्ल हमारी दीवारों को, हमारे अमाशय की दीवारों पे कोई असर नहीं कर पाएगा, ये कार्य हो गए। उसके बाद है पित्त रस, पित्त रस का कार्य क्या है भाई, पित्त रस वेरी इंपॉर्टेंट, पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में, मतलब लीवर में, लीवर से निकल के जाता है, और एक थैली सी होती है जिसको बोलते हैं पित्ताशय, ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है, लीवर में बनेगा, पित्ताशय में इकट्ठा होगा, और उस पित्ताशय से निकल के जाएगा छोटी आंत में, किस में जाएगा, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जाके क्या करेगा, ये मदद करता है किसके, वसा के पाचन में मदद करता है, वसा के पाचन में क्या करता है, देखो वसा जो होती है, वसा को पचाने वाला एंजाइम होता है लिपेज, लिपेज, ये लिपेज वसा जब आती है, वसा अघुलनशील होती है जल में, तो उसके बड़े बड़े से ग्लोब्यूल आते हैं, बड़े बड़े से मतलब टुकड़े आते हैं भोजन में, तो हम ये पानी में तो घुलनशील नहीं है, और ये जो लिपेज है जब तक पानी में घुलनशील नहीं होगी ये इसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर के इस हिस्से पे काम करता रहेगा, ऊपर ऊपर वाले पार्ट को पचाता रहेगा, जिससे इसको बहुत समय लग जाएगा। तो अगर अच्छा होगा, अगर ये टूट जाए, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स में ऐसे टूट जाए, तो ये जो एंजाइम है आसानी से इसके ऊपर काम कर सकता है और इसको पचा सकता है। तो इसको इस अवस्था से, इतने बड़े से इतने छोटे टुकड़ों में बदलने का काम कौन करता है, ये पित्त रस करता है। पित्त रस बड़े से फैट के टुकड़े को, वसा के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का कार्य करता है, और इस क्रिया को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो हम सीधा कह सकते हैं कि पित्त रस वसा के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, जिसके कारण लिपेज एंजाइम उसको आसानी से पचा सके, ये होगा भाई पित्त रस। उसके बाद है पाचक एंजाइम, तो उनके कार्य बताइए। पाचक एंजाइम ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे आहार नाल में निकलते हैं, और हमारे भोजन में विद्यमान जटिल पदार्थों को, अघुलनशील होते हैं जटिल पदार्थ, अघुलनशील जटिल पदार्थों को तोड़कर सरल तथा घुलनशील पदार्थों में बदल देते हैं, उनको बोलते हैं क्या, पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम। अब हमारे भोजन में विद्यमान अघुलनशील जटिल पदार्थ कौन से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है और वसा होती है, ये हमारे भोजन में विद्यमान है और ये अघुलनशील तथा जटिल है। अब इनको इसको तोड़ने वाला कौन है? एमीलेज, ठीक है, जो इसको बदलेगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हो गया भाई सरल तथा घुलनशील, और ये क्या, ये सारे क्या है? ये जटिल तथा अघुलनशील है। प्रोटीन को कौन तोड़ता है? प्रोटीन को पेप्सिन तोड़ता है, पेप्सिन, और पेप्सिन एक होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, ये दो एंजाइम है। वैसे तो केमोट्रिप्सिन भी होता है जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। और वसा को कौन तोड़ता है? वसा को तोड़ता है भाई लिपेज, लिपेज एंजाइम। किसमें ये प्रोटीन टूटता है? अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल, ये टूटता है फैटी अम्ल या फैटी एसिड, सीधा लिख दूं मैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसमें टूटता है, हिंदी में ग्लिसरॉल ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ये इस साइड वाले सारे के सारे सरल तथा घुलनशील है और इस साइड वाले जो है वो जटिल तथा अघुलनशील है। तो इनको इनमें बदलने का काम किसने किया? ये सारे बीच वाले क्या है? पाचक एंजाइम। तो पाचक एंजाइम ऐसे पदार्थ होंगे जो भोजन में विद्यमान जटिल तथा अघुलनशील पदार्थों को सरल तथा घुलनशील पदार्थों में बदलते हैं। उसके बाद आता है भाई यकृत तथा अग्नाशय के कार्य लिखो। देखो यकृत जो होता है, यकृत के हमारी बॉडी में, यकृत के तो बहुत सारे कार्य हैं, अगर मैं सारे बताने लगूं तो बहुत टाइम निकल जाएगा। 100 से ज्यादा कार्य होते हैं यकृत के। यकृत होता है लीवर, तो लीवर के कार्य, वैसे एक मुख्य कार्य मैं बता देता हूँ कि लीवर, अभी मैंने बताया था लीवर बनाता है बाइल, बाइल मतलब पित्त रस, पित्त रस का निर्माण करता है। तो ये पित्तरस जाता है पित्ताशय में, वही पित्ताशय से फिर जाएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत में फिर ये वसा के पाचन में मदद करता है। ये लीवर का काम है, लीवर के असंख्य कार्य हैं। लीवर में ही बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण भी होता है, हमारे शरीर में विद्यमान टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। जो यूरिन बनता है मतलब मूत्र जो बनता है वो भी लीवर ही बनाता है। तो इसके तो बहुत सारे कार्य हैं लीवर के, बस ये याद रखना कि पाचन में इसका क्या कार्य है। पाचन में ये भी बाइल बनाता है और वो बाइल जाके पित्ताशय, बाइल मतलब पित्तरस, पित्तरस पित्ताशय में जाके, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की लीवर मतलब यकृत, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद आता है भाई अग्नाशय, अग्नाशय के क्या कार्य है? देखो अग्नाशय जो होती है ये अपना रस, अग्नाशय रस छोड़ती है छोटी आंत में, तो अग्नाशय से जो रक्त रस निकलता है, जो निकलेगा उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? उसमें एमीलेज भी होता है, ठीक है, उसमें ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, ठीक है, और पैंक्रियाटिक, और एक होता है लीपेज, ठीक है। अग्नाशय को पैंक्रियाज बोला जाता है इंग्लिश में। तो जब अग्नाशय अपने रस को छोड़ती है छोटी आंत में, तो उसमें एमीलेज भी होगा, ट्रिप्सिन होगा और लिपेज होगा, और इनके कार्य क्या है मैं बता चुका हूँ। तो कार्य क्या होंगे? एमीलेज के कार्य ये रहा ऊपर लिखा है, ट्रिप्सिन का कार्य होगा प्रोटीन को पचाना, लिपेज का कार्य हो गया वसा को पचाना। तो ये अग्नाशय क्या हो गए? तो अग्नाशय को सीधा कह सकते हैं कि अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। अग्नाशय के रस में एमीलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज नाम के एंजाइम होते हैं जो भोजन के विभिन्न घटकों को पचाने में मदद करते हैं। उसके बाद अभी छोटी आंत की लंबाई शाकाहारियों में अधिक क्यों होती है? देखो शाकाहारियों में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है और मांसाहारियों में होती है कम, क्यों? क्योंकि मांसाहारी खाते हैं मीट और मीट को पचाना होता है आसान, तो इसलिए वो जल्दी पच जाता है, तो छोटी आंत के ज्यादा बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। छोटी अगर हो जाएगी तो कम टाइम में ही मीट पच गया, तो छोटी आंत छोटी है, लंबाई कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी आंत, सॉरी, ये जो शाकाहारी होते हैं वो मीट तो खाते नहीं है, वो घास खाते हैं, और घास के अंदर होता है सेलुलोज, और सेलुलोज बहुत टाइम लेता है पचने में, इसलिए उनकी आंत की लंबाई बहुत अधिक होती है। जैसे जैसे सेलुलोज आगे बढ़ता रहेगा वो पचता रहेगा, ठीक है, अगर छोटी होगी तो बिना पचे ही निकल जाएगा। तो इसलिए शाकाहारियों में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, क्योंकि वो पादप और पादप पदार्थों को खाते हैं और उन पदार्थों में होता है सेलुलोज, तो सेलुलोज को पचाने के लिए अधिक टाइम लगता है, और
उस टाइम को बनाने के लिए छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। ठीक है भाई, उसके बाद आती है भाई रक्षी कोशिका की कार्यविधि समझाइए। रक्षी कोशिका मतलब गार्ड सेल जो होती है, हमने पढ़ा कि जो रंध्र होते हैं पाद पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, ठीक है, और इन छिद्रों इस तरह से ये रंध्र है, ये रंध्र ये पत्तियों में होता है जिसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ये इसका केंद्रक है, यहाँ पे इसमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है, इस प्रकार से ये इसका केंद्रक है। तो इन दोनों कोशिकाओं को बोलते हैं रक्षी कोशिका। ये क्या करती हैं? रक्षी कोशिकाएं इस रंध्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। कैसे करती हैं? जब इनके अंदर पानी भर जाएगा तो ये फ्लैट हो जाएंगी, पानी भरते ही और ये सीधी हो जाएंगी ऐसे, तो ये रंध्र हो जाएगा बंद इस प्रकार। और जैसे ये पानी को छोड़ देती हैं तो ये पानी निकलते ही इनमें से ये होती हैं, ये फैल जाती हैं, पानी निकल गया तो श्रिंक हो जाएंगे समझ लो, तो ये रंध्र खुल जाएगा। तो पानी की मूवमेंट, पानी की गति इनके अंदर नियंत्रित करती है रंध्र के खुलने और बंद होने को। जब इसमें पानी चला जाएगा रक्षी कोशिकाओं में तो रंध्र खुल जाएगा, जब पानी इनमें से निकल जाएगा तो रंध्र सॉरी जब रंध्र जब इनके अंदर पानी भर जाएगा तो रंध्र बंद हो जाएगा, और जब ये पानी को छोड़ देंगी तो रंध्र खुल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये कार्य करती है। उसके बाद आता है अवशोषण छोटी आंत में अधिक क्यों होता है, क्योंकि मैं बता चुका हूं भाई छोटी आंत की संरचना इस प्रकार होती है कि उसमें अधिक से अधिक पाचन हो सके। सबसे पहला तो उसकी लंबाई बहुत अधिक होती है, पहला काम। दूसरा, उसके अंदर उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिसको परवर्ध बोलते हैं। जैसे अगर ये छोटी आंत है तो इसके अंदर की दीवारों में इस प्रकार के उभार होते हैं इस साइड में, इनको बोला जाता है परवर्ध, परवर्ध होते हैं। परवर्ध होने से क्या होगा? परवर्ध होने से इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा जिससे अधिक से अधिक भोजन का अवशोषण हो सके। तीसरा क्या होता है, इनके अंदर रक्त वाहिनियों का एक जाल बिछा होगा। अभी मैंने बताया था कि जहां भी अवशोषण होता है वहां अधिक से अधिक रक्त होना चाहिए, तो इसमें रक्त वाहिनियों का अत्यधिक जाल बिछा होगा जो जितना भी भोजन का अवशोषण होगा सारे पूरी बॉडी में ले जाएगा। तो ये तीन चीजें इसके मुख्य होती है जिसके कारण छोटी आंत में अवशोषण अधिक होता है। एक तो इसकी लंबाई अधिक है, दूसरा इसमें उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिनको परवर्ध बोलते हैं, जिनके कारण इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और तीसरा, इसके अंदर रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो अवशोषण की दर को बढ़ा देती है। नेक्स्ट, अभी भोजन का संवहन पादपों में किस प्रकार होता है? देखो, पत्तियां भोजन का निर्माण करती हैं, ग्लूकोज का निर्माण कौन करता है? पत्तियां करती हैं, और पत्तियां जब ग्लूकोज बनाती हैं तो उस ग्लूकोज को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ भोजन की आवश्यकता पत्तियों को नहीं होती, जड़ों को भी है और टहनियों को भी है, तो वहां पहुंचाना पड़ेगा। तो जैसे पत्ती ने भोजन बनाया, फिर वो भोजन ग्लूकोज के रूप में नहीं चलता, पहले तो वो ग्लूकोज बदलेगा किसमें? मंड में, स्टार्च में बदल जाएगा। फिर वो स्टार्च टूटेगा किसमें? सुक्रोज में, इसमें सुक्रोज में। जैसे यहाँ पत्ती के अंदर भाई ये समझ लो ये पत्ती है और इसमें ग्लूकोज बना कहीं भी, और यहाँ क्या है? फ्लोएम। हमें पता है कि फ्लोएम जो होता है वो भोजन का संवहन करता है, फ्लोएम ही से पादप के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाने का काम करेगा। अब यहाँ जैसे ही ये ग्लूकोज बनाती है तो वो सुक्रोज में बदलेगा, तो उस सुक्रोज को फ्लोएम की कोशिका में डाल दिया जाता है। किसके द्वारा? ऊर्जा का प्रयोग करके, मतलब जबरदस्ती कह सकते हो आप लोग, ऊर्जा का प्रयोग करके उस सुक्रोज को और फ्लोएम की कोशिका में डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही फ्लोएम जाएगा, जैसे ये फ्लोएम है, इसकी एक कोशिका है एक, इसमें सुक्रोज भर गया है, जैसे इसमें सुक्रोज भरेगा इसके अंदर पानी की मात्रा हो जाएगी कम, क्योंकि सांद्रता बढ़ने से जल की मात्रा कम हो जाती है, तो जल ये इसके अंदर आना शुरू कर देगा। जब जल भी इसमें भर जाएगा तो इसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो उस प्रेशर के कारण ये जो भोजन है जल में घुला हुआ ये चलना शुरू कर देगा, और इस प्रकार भोजन अलग अलग भागों में पहुंचना शुरू कर देता है। जहां भोजन का निर्माण होता है वहां भोजन अधिक है उसको बोलते हैं सोर्स, और जहां भोजन नहीं होता उसको बोलते हैं सिंक। तो जहां कोई चीज अधिक होगी वहां से कम जगह पे तो अपने आप ही जाएगी, तो सोर्स से सिंक की तरफ वस्तु जाना शुरू कर देगी, मतलब भोजन जाना शुरू कर देगा। तो पादपों में भोजन का संवहन होता है फ्लोएम द्वारा, और फ्लोएम में
और इस विधि को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, मतलब भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पादपों में, उसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन या भोजन का संवहन। ठीक है भाई, उसके बाद है रक्त के विभिन्न घटकों के कार्य बताइए। देखो रक्त के विभिन्न घटक कौन से हैं, मैं बता चुका हूँ। रक्त में मुख्य रूप से एक तो होता है प्लाज्मा, क्या होता है प्लाज्मा, जो उसका द्रव भाग होता है प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं। तो प्लाज्मा जो होगा, प्लाज्मा का क्या कार्य है, प्लाज्मा का कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो प्लाज्मा का कार्य देखो अब दो ही पार्ट है इसमें, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। तो प्लाज्मा का कार्य क्या होगा, प्लाज्मा हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में ही घुलती है, जब कोशिकाओं में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड तो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगी, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है इसमें घुल जाएगी और फिर ये प्लाज्मा इसको लेकर पहुंच जाएगा फेफड़ों के पास और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा। तो इसका काम तो ये हो गया प्लाज्मा का। दूसरा किसका, रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीन प्रकार की है प्लेटलेट्स, पट्टी कण जिनको बोलते हैं। आरबीसी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, इनका कार्य होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। क्यों, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल होता है, और इनमें हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचाता है, इनका काम हो गया। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है, मतलब बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करती है। कौन डब्ल्यूबीसी, ये सोल्जर होती है हमारी बॉडी की, सोल्जर जो रक्षा करती है विभिन्न बीमारियों से, कीटाणुओं जीवाणुओं से, सभी चीजों से रक्षा कौन करती है, डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स का क्या काम है, प्लेटलेट्स हमारे रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, मतलब अगर कहीं कट लग जाए तो घाव को भरने में या रक्त को रोकने में मुख्य रूप से भूमिका कौन निभाती है, प्लेटलेट्स या पट्टी कांड, ये कार्य हो गए भाई। उसके बाद मानव हृदय के चार भाग क्यों होते हैं, देखो मनुष्य में जो हृदय होता है उसका चार भाग होते हैं, हम पढ़ चुके हैं इस प्रकार से, उसके चार भाग होते हैं। ये चार भाग किस काम आते हैं, देखो ये चार भाग होने से मनुष्य में जो अनऑक्सीकृत रक्त आता है, देखो वो अनऑक्सीकृत रक्त पहले इस साइड आएगा, इससे इसमें जाएगा और इससे सीधा चला जाएगा फेफड़ों में, इस साइड आएगा ऑक्सीकृत रक्त यहाँ से यहाँ और सारे शरीर में। देखो अनऑक्सीकृत रक्त और ऑक्सीकृत रक्त कहीं नहीं मिला, और इसके लिए ही ये चार चैम्बर होते हैं, मतलब चार पार्ट होते हैं, ताकि उसमें ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त आपस में ना मिले। क्यों, क्योंकि यह आवश्यक है, क्योंकि हम है समतापी जीव, हमारे शरीर के तापमान को एक समान रखना पड़ता है। पक्षी और स्तनधारी जीव समतापी जीव होते हैं, इनको अपने तापमान को स्थिर रखना पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने शरीर की ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अगर सर्दी में बाहर का तापमान जीरो है तो हमारे शरीर का 37 ही रहेगा, लेकिन उसके लिए हमारा शरीर अधिक ऊर्जा खर्च करता है, और ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है, और ग्लूकोज अगर टूटेगा तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन अधिक कब आएगी, जब ऑक्सीकृत रक्त और अनऑक्सीकृत रक्त अलग अलग होंगे, तो वो कब हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब हमारे हृदय के चार भाग होंगे। तो हमारे हृदय के चार भाग इसलिए होते हैं ताकि ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त अलग अलग हों और हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके और हम अपने तापमान को स्थिर रख सके। उसके बाद